हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। और जैसा कि हम आज मैथ्स की एक्सरसाइज 2.4 के रेस्ट ऑफ द 5 क्वेश्चंस आज ट्राई करेंगे, तो जो रेस्ट क्वेश्चंस हमने किए थे 5 क्वेश्चंस वो आपने ट्राई किए होंगे, और साथ ही साथ अब हम आज बाकी के 5 ट्राई करेंगे। आपको किसी भी क्वेश्चंस में कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करिएगा, जिससे कि मैं आपके कमेंट पढ़कर उसे आपको क्लियर कर दूं। ओके, सो टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 6। सो लेट्स स्टार्ट। सी, क्वेश्चन नंबर 6 इज देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व फॉर अ स्कूल इन मोहाली विलेज। ठीक है, एक मोहाली विलेज में एक स्कूल के लिए रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व किया गया, जिसकी लेंथ ऑफ द प्लॉट एंड ब्रेथ की रेशियो दी है 11:4। एट द रेट ऑफ ₹100 पर मीटर, यानी कि 100 पर मीटर का आपको कॉस्ट जो है वो बता दिया है 75,000। 100 मीटर का बताया आपको, 1 मीटर का पता होना चाहिए। What are the dimension of plot? Dimensions मतलब length and breadth. आपको dimensions find out करनी है कि length और breadth कितनी होगी। तो देखिए ratio दिए हैं, हम इसको कैसे करेंगे? Let the length and breadth are 11:4 है तो 11x and 4x, right? आप देखिए 100 मीटर का रेट दिया हुआ है। द कॉस्ट ऑफ पीस 100 पर मीटर इक्वल टू 75,000। देखिए आपको किसी भी चीज का मेजरमेंट या कभी भी कोई चीज निकालनी हो, आपको 1 का प्राइस या 1 का जो भी कॉस्ट है वो पता होनी चाहिए। इसमें हम 1 का निकालेंगे तो द कॉस्ट ऑफ पीस 1 पर मीटर इक्वल टू, देखिए ज्यादा से कम में आते हैं, जब ज्यादा से कम को आते हैं तो डिवाइड, कम से ज्यादा की ओर जाते हैं तो मल्टीप्लाई। हमेशा याद रखिएगा, ज्यादा से कम आना है तो कम के लिए डिवाइड, क्योंकि वो भी कम होगा उसका सिंगल का प्राइस। तो हमने यानी कि ₹750 आपके पास 1 मीटर का कॉस्ट आना, यानी कि वो उस विलेज को जब फेंस करेंगे तो 1 मीटर फेंस का कॉस्ट है ₹750। अब आपको निकालनी है डायमेंशंस। तो देखिए व्हाट विल बी द, इन्होंने ये लिखा है कि रेक्टेंगुलर नैरो प्लॉट रिजर्व फॉर अ स्कूल है, ठीक है, उसको फेंस करना है। देखिए फेंस, फेंसिंग होती है बाउंड्री, राइट, यानी कि बाउंड्री मतलब कि आपने रेक्टेंगल जो है इसका फेंस करना, तो फेंसिंग मतलब आउटसाइड। तो जब भी बाहर यानी कि फेंस का निकालते हैं तो आपको हमेशा निकालना होता है पेरीमीटर, राइट। और अगर आपको इनसाइड भी कुछ निकालना होता तो आप निकालते एरिया। ये छोटी छोटी चीजें आप याद रखिए, जब भी आपको आउटर निकालना है ओनली फेंसिंग तो आप निकालेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। और अंदर कितना सामान रखा गया या कितने डेस्क है एक रूम में या फिर उस रूम के अंदर का कुछ भी आइटम्स आपको फाइंड आउट करना हो तो आप निकालेंगे ए। तो अब देखिए, तो हमें फेंसिंग करके दिया है, हमें फेंस तो आप क्या निकालेंगे, हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। और ये क्या था हमारा फेंसिंग का, तो यानी कि 750 आपका क्या आ गया, पेरीमीटर, ठीक है। और यहाँ 2 × लेंथ क्या है आपका 11x, ब्रेथ क्या है 4x, 750 इक्वल टू 2 × 11 × 4 15x, राइट, 15 × 2 30x इक्वल टू 750। अब 750 को 30 से आप डिवाइड करेंगे, आपके पास 3 × 6 = 25 rupees आपके पास, सॉरी 25 मीटर आपके पास क्या आ गया x। हम निकालेंगे लेंथ, तो यहाँ देखिए लेंथ इक्वल टू 11 × 25 एंड ब्रेथ इक्वल
275 आपका लेंथ, ठीक है। यानी कि आपके पास लेंथ आ गया 275 मीटर है और ब्रेथ आपका 100 मीटर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। हसन बाय टू काइंड ऑफ क्लोथ मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म। हसन ने दो तरीके के क्लोथ्स मटेरियल खरीदे स्कूल की यूनिफॉर्म के लिए, जिसमें से शर्ट और ट्राउजर है। शर्ट का मटेरियल कॉस्ट है 50 रुपीस पर मीटर, यानी कि यहाँ लिख लेते हैं शर्ट, यहाँ ट्राउजर्स। तो शर्ट का सेलिंग प्राइस मतलब कॉस्ट क्या है, 50 रुपीस पर मीटर, यानी कि 50 रुपीस में शर्ट का प्राइस है। एंड ट्राउजर मटेरियल दैट कॉस्ट हिम 90, जो उसे 90 इसका प्राइस है 90, राइट। हर 3 मीटर शर्ट पे 2 मीटर कपड़ा ट्राउजर चाहिए होता है। मतलब अगर किसी ने शर्ट और ट्राउजर बनवाना है तो अगर शर्ट में 3 मीटर कपड़ा लग रहा है तो 2 मीटर का क्या बनेगा, ट्राउजर। तो आपने लिखे शर्ट का कितना है, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 3x एंड 2x, ये शर्ट हो गया, ये ट्राउजर, राइट। अब जब ये इसे बेचता है, ये उसको कॉस्ट है, जब ये इन्हें बेचता है तो प्रॉफिट लेता है शर्ट पे 12% और ट्राउजर पे 10%, ठीक है। और प्रॉफिट के बाद इनको टोटल सेल मिलती है 36,600, ठीक है। ये रफली रफली जो क्वेश्चन था वो मैंने आपको समझा दिया कि क्या है, शर्ट और ट्राउजर के लिए कॉस्ट क्या दी हुई है। शर्ट का रुपीज 50 पर मीटर, ट्राउजर का रुपीज 90 पर मीटर, और 3 मीटर शर्ट पे वो 2 मीटर का ट्राउजर के मटेरियल की जरूरत पड़ती है। अगर 3 मीटर शर्ट ली है तो 2 मीटर क्या होगा, ट्राउजर। तो हमने इसका रेशियो समझ लीजिए, तो हमने इसे लेट का एक्स भी किया, लेट का ट्राउजर हम कितना ट्राउजर मटेरियल ले लेंगे 3x, शर्ट मटेरियल 3x एंड ट्राउजर मटेरियल इज इक्वल टू 2x। अब आगे लिखा है सेल द मटेरियल्स, जब वो ये मटेरियल्स बेचता है तो उसको प्रॉफिट होता है 12% किस पे, शर्ट पे, और 10% प्रॉफिट होता है उसको ट्राउजर, और टोटल सेल उसकी कितनी होती है 36,600। तो आपको बताना है कितना मटेरियल शर्ट का बिका और कितना मटेरियल आपका ट्राउजर का। तो देखिए वैसे हमें पता है सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ये आप जानते हैं, ठीक है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। अब क्या करते हैं, हम इसे फाइंड आउट करते हैं और इस तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए हम कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, पहले तो हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। ये है आपके पास कॉस्ट, तो 50 रुपीज है, 3 की कितनी हो जाएगी 150x, ये तो आ गई शर्ट की कॉस्ट, राइट। ट्राउजर की कॉस्ट कितनी आ जाएगी 180x, ये आ गई आपके ट्राउजर की कॉस्ट, ठीक है। तो आपको कॉस्ट प्राइस तो मिल गया, ठीक। अब आपको निकालना है प्रॉफिट, तो देखिए ये 12% प्रॉफिट किस पे हो रहा है, इसी पे होगा जितना आपका कॉस्ट प्राइस पे। तो निकाल लीजिए कॉस्ट प्राइस पे 12% इनटू 150 क्या आएगा, 180x। और अगर ट्राउजर का निकालेंगे 180x का 10% 18x, ठीक है, ये निकल गया आपका दोनों। अब मैं इस क्वेश्चन को आपको ये थोड़ा सा ऐसे समझाया, आप प्रॉपर तरीके से देखिए इसे कैसे करना है। देखिए लेट द शर्ट मटेरियल इज इक्वल टू 3x, ट्राउजर मटेरियल 2x, राइट, ठीक है। ऊपर का रब कर रही हूँ मैं,
अब देखिए, शर्ट मटेरियल 3x, ट्राउजर मटेरियल 2x, कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल। अब शर्ट के मटेरियल का कॉस्ट आप निकाल लीजिए। तो देखिए, अभी हमने पढ़ा था कि शर्ट जो है 50 रुपीज पे 3 मीटर, मतलब 50 पर मीटर है, हमारे पास कितना है मटेरियल 3x, तो ये आ गया आपका 150x शर्ट का आ गया। कॉस्ट ऑफ ट्राउजर मटेरियल, तो उसका प्राइस हमें दिया था 90, कितना ट्राउजर मटेरियल है 2x, ये आ गया आपका 180x, राइट? ठीक है। अब अगर शर्ट मटेरियल पे कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, 12%, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, शर्ट का प्रॉफिट निकाल लीजिए, 150x इंटू 12%, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 2 × 6 = 12, 18x आ गया। अब प्रॉफिट निकाल लीजिए ट्राउजर का, ट्राउजर का कितना है 10%, तो 180 × 10%, ये भी आ गया 18x, राइट? अब देखिए, दोनों का सेलिंग प्राइस निकालते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट, फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, यही होता है। कॉस्ट प्राइस कितना था 150x, आपने प्रॉफिट कितना निकाला 18x, कितना आ गया, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, इसका कॉस्ट प्राइस कितना निकाला था 180x, ये कितना निकाला था 18x, ये आ गया 198x। अब हमने क्वेश्चन में देखा था टोटल सेल, यानी कि इन दोनों की टोटल सेल, यानी इन दोनों की टोटल सेल है 36,600। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 168x प्लस 198x इक्वल टू 36,600, टोटल सेल ये है और सेलिंग प्राइस आपने ये निकाला है। दोनों को ऐड किया 366, अब ये मल्टीप्लाई है, यहाँ आके डिवाइड, x कितना आ गया आपके पास 100, यानी कि आपको निकालना है कि कितना मटेरियल शर्ट का और कितना मटेरियल ट्राउजर का यूज हो। तो मटेरियल और शर्ट के लिए कितना 3x, यानी कि 300 मीटर एंड ट्राउजर के लिए 2x, इसका मतलब 200 मीटर। आपको क्वेश्चन में सिर्फ ट्राउजर का बताना था कि कितना हुआ, मैंने आपको दोनों बता दिया कि शर्ट का कितना मटेरियल यूज हुआ और ट्राउजर का कितना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट मिक्स है, तो ये वाला क्वेश्चन आपको डाउट हो तो प्लीज क्लास बच्चों, जिसको जो प्रॉब्लम हो प्लीज कमेंट कीजिएगा, मैं उन क्वेश्चंस को आपको दोबारा से क्लियर कर दूँ। ये थोड़ा सा मुश्किल भी है लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट भी है, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, नहीं आएगा तो दोबारा पूछ लीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज, हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। झुंड, हर्ड ऑफ डियर का मतलब झुंड, किसका, डियर, यू नो डियर क्या होता है। इन द फील्ड एंड 3/4 ऑफ रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय, कुछ डियर्स जो हैं वो घास खा रहे हैं, कितने हाफ, एंड 3/4 जो है वो उसके नियर बाय क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, और जो रेस्ट बच रहे हैं वो पानी पी रहे हैं, ठीक है। तो इतने सारे हिरन जो हैं, कई सारे तो झुंड में हैं, कई आपके 3/4 जो है वो खेल रहे हैं और 9 जो है वो पानी पीने तालाब में गए, तो आपको नंबर ऑफ डियर फाइंड आउट करना है। लेट द
नंबर ऑफ डियर इक्वल टू आपने एक्स ले लिया, ठीक है। हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग, यानी इसके आधे क्या कर रहे हैं, ग्रेजिंग। नंबर ऑफ डियर ग्रेजिंग इन द फील्ड कितने हैं, एक्स का हाफ, एक्स बाय, ठीक है। थ्री फोर्थ ऑफ द रिमेनिंग जो ये बच गए हैं, इनमें से थ्री फोर्थ जो है वो क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो नंबर ऑफ डियर प्ले, तो x माइनस वन बाय टू एक्स इंटू थ्री बाय फोर, जितने डियर हैं उसमें से जो ये हैं वो माइनस का जो बचे हुए हैं वो क्या कर रहे हैं, घास खा रहे हैं। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, वन ये ही आ गया इंटू थ्री बाय फोर, ये आ गया, ठीक है। ये एलसीएम ले लिया टू, यहाँ आप कर लीजिए टू, टू एक्स माइनस वन एक्स, वो वन एक्स ही आएगा, ठीक है। ये आपके क्या हो गए, जो खेल रहे हैं। रेस्ट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, नंबर ऑफ डियर ड्रिंकिंग वाटर कितने हैं, नाइन, ठीक है। आपको टोटल नंबर ऑफ डियर फाइंड आउट करना है। तो देखिए इन सब को मिला के, तीनों को मिला के क्या है, ये है टोटल, राइट। उसी तरीके से इसको इक्वेशन फॉर्म में, अब इन तीनों को मिलाकर ये है, तो इसी तरीके से इसको इक्वेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स बाय टू प्लस थ्री एक्स बाय एट प्लस नाइन इक्वल टू एक्स, ये टोटल डियर हो। अब एलसीएम ले लीजिए इस एक्स को इधर, या फिर ऐसे नहीं लेते, एट टू के टर्म में एट फोर एक्स, एट के टर्म में एट वन एक्स, सेवेंटी टू इक्वल टू एक्स, ठीक है। ये मैंने टू से एट को किया फोर पे, ऊपर भी फोर से, एट के टेबल में एट वन, ऊपर भी वन से, वन के टेबल में एट एट से, ऊपर भी एट से, ठीक है। अब 4, 5, 6, 7x plus 72 equal to ये 8 इधर ले जाओ, 8x, right? अब ये x इधर ले जाओ, 72 equal to 8x, 7x इधर गया minus 7x, x equal to 72, यानी कि number of deer कितने आ रहे, 72, ठीक है क्लास। कोई डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हो, जो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं हो, तो आई बटन पे जो लिंक दिखेगा उस पर क्लिक कीजिएगा, आप मेरी पुरानी वीडियोस देखकर जो भी आपकी क्वेरीज है वो क्लियर कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंडडॉटर, जो ग्रैंडफादर है, जो दादाजी है, वो अपनी ग्रैंड डॉटर से 10 साल बड़े हैं, 10 टाइम्स बड़े हैं। तो ही इज ऑल्सो 54 ईयर ओल्डर देन हर, और उससे कहा जाए तो उससे 54 ईयर ओल्डर है, यानी कि 54 ईयर बड़े हैं। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, दोनों की आपको प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करते हैं, लेट हर प्रेजेंट एज मीन्स ग्रैंड डॉटर की प्रेजेंट एज को आप एक्स लेंगे, तो ग्रैंड फादर की एज क्या हो जाएगी, ग्रैंड फादर एज 10x, उससे 10 टाइम्स ओल्डर है, ठीक है। अब कहा है ओल्डर देन हर, अगर दोनों मतलब वो उससे 54 ईयर ओल्डर हो तो आप दोनों की प्रेजेंट एज बताएंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन grandfather age minus her present age equal to 54. क्यों? क्योंकि 54 year older than her, उससे 54 year बड़े हैं, ठीक है। तो हमारी equation बन गई 9x equal to 54, x equal to 54 by 9, 9 6 are 54, यानी कि उनकी जो daughter है वो कितने years की है, Only 6 years, ठीक है। और
फाइंड देयर, देयर मतलब दोनों की प्रेजेंट एज है, तो ग्रैंडफादर की एज क्या हो जाएगी, 10 × 6 = 60 years, मतलब ग्रैंडफादर 60 years के हैं और ग्रैंडडॉटर 6 years की है. नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज अमन्स एज इज 3 टाइम्स हिज सन एज. अमन की एज अपने बेटे की एज का 3 टाइम्स है. 10 साल पहले, एगो मतलब पहले, ही वॉज 5 टाइम्स हिज सन एज, वो अपने बेटे का 5 टाइम्स मतलब उनकी एज का 5 टाइम्स. फाइंड देयर प्रेजेंट एज, आपको दोनों की प्रेजेंट एज फाइंड आउट कर रहे हैं. सो लेट अमन्स सन एज क्या हो जाएगी, x, और अमन की एज क्या हो जाएगी, 3 टाइम्स मींस 3x. अब 10 ईयर्स एगो अमन किस बच्चे की एज, x माइनस 10, 10 साल पहले 10 कम होगी, अमन की एज 3x माइनस 10. ठीक है, अब इन्होंने लिखा है 10 साल पहले ही वॉज 5 टाइम्स हिज सन एज, वो अपने बेटे का 5 टाइम्स था. तो पहले तो आपने दोनों की एज को यहाँ लिख लिया. अब इन्होंने बोला क्या है, देखिए ये है सन की एज, ये फादर की एज. लिख रहा है अमन अपने बेटे से 5 टाइम्स था, अमन अपने बेटे से 5 टाइम्स, क्योंकि ये अमन की एज है तो इसके साथ 5 लगाएंगे तो अमन की एज आएगी. अगर आप ये 5 अमन की एज के साथ लगा देंगे तो बेटे की एज बढ़ जाएगी, बल्कि हमें तो ये बोला गया है कि अमन के बेटे की एज अमन की एज से, सॉरी अमन जो है वो 5 टाइम है बेटे की एज से. तो हमेशा अपोजिट साइड्स को वो यूज करते हैं जो आपको पूछा गया. ही वॉज यानी अमन, 5 टाइम्स हिज सन, तो 5 टाइम्स हिज सन है ये लाइन लिखे, तो ये वाला सन के साथ जाएगा. ठीक है, 5x माइनस 50 इक्वल टू 3x माइनस 10, 5x माइनस 3x इक्वल टू माइनस 10 प्लस 50. 3x इधर ले आई माइनस का, प्लस माइनस 50 इधर गया प्लस, 5x माइनस 3x, 5 में से 3 गया 2x इक्वल टू 50 माइनस 10 40, x equal to 40/2 = 20. यानी कि अमन के बेटे की एज कितनी आ गई, 20 इयर्स, और अमन की 60 इयर्स. ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.5 के आज हमने बचे हुए 5 क्वेश्चंस ट्राई करें. आपको इन 5 क्वेश्चन में से किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपका वो डाउट क्लियर करूंगी. राइट, और साथ ही साथ इन 5 क्वेश्चन को और प्रीवियस वाले क्वेश्चन में अब आप सारे एक साथ प्रैक्टिस कीजिएगा, सो दैट आपको अच्छे से ये एक्सरसाइज समझ आ जाए. साथ ही साथ आपको अच्छी लग रही हो, क्वेश्चन आपको समझ आ रहे हो, प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. ठीक है, टिल देन बच्चों, टेक केयर, बाय बाय.